और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है Why 40% World Population Live in Only Two Countries। तो चलिए जानते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके लिए मैं लॉगिन चेक लेके इसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्यों इंडिया और चाइना सिर्फ इन दो देशों में ही अकेले दुनिया की ऑलमोस्ट 40% आबादी रहती है? पृथ्वी के 170 देशों में जितनी आबादी रहती है, उससे ज्यादा आबादी तो अकेले इंडिया और चाइना इन दो देशों में ही रहती है। ये कुछ वियर्ड नहीं है क्या? आज आपको लग रहा होगा कि हमारी पृथ्वी तो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होते जा रही है। काफी एक्सपर्ट्स को तो आपने टाइम टाइम पर बोलते हुए भी सुना होगा कि हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को किसी भी हाल में कंट्रोल करना होगा। Worries about overpopulation are back. We need to address much more aggressively the population part of the equation. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population for us. Elon Musk तो पृथ्वी छोड़कर मार्स में कॉलोनीज बनाने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए यह अब एक कॉमन ओपिनियन बनते जा रहा है कि पृथ्वी में अब इंसानों के लिए जगह ही नहीं बची है। लेकिन what if मैं कहूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है? अगर आप इस वर्ल्ड पॉपुलेशन मैप को ध्यान से देखोगे तो हमारी पृथ्वी का ऑलमोस्ट 3/4 से भी बड़ा हिस्सा कंप्लीटली वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन अब जरा एशिया की तरफ अपनी नजर बढ़ाओ। यहां पर इंडिया और चाइना इन दो देशों में मिलकर 2.7 बिलियन यानी कि 270 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की 36% पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं दो देशों में ही मौजूद है, और ये दोनों देश भी सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट एशिया में ही मौजूद है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन सिर्फ यही एक कॉन्टिनेंट के यही दो देश स्पेशल आखिर क्यों है? क्या इंडिया और चाइना की यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी वजह है? मतलब माउंटेनियस रीजन्स और हाई रेनफॉल की वजह से, क्योंकि यहां पर रिच फर्टाइल सॉइल मौजूद है इसीलिए यहां पर पॉपुलेशन ग्रो कर पाई क्या? लेकिन फिर यही एग्रीकल्चरल लैंड तो आपको पूरी दुनिया के और भी देशों में मिल जाएगा, स्पेशली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो फिर क्या इसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि इंडिया और चाइना में ही दुनिया की पुरानी सभ्यताएं पाई गई है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और द चाइनीज सिविलाइजेशन? लेकिन फिर उसी दौरान पूरे वर्ल्ड में और भी तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे मेसोपोटेमिया, एंशिएंट इजिप्ट, एस्टेक्स, इनकास, ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह, और ये सारे सिविलाइजेशन बाद में विलुप्त भी तो हो गए। सो लेट मी आस्क यू अगेन कि सिर्फ इंडिया और चाइना में ही ऐसी क्या स्पेशल बात थी कि सिर्फ इन्हीं दो देशों में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, बाकी देशों में ये नहीं हुआ? वेल, इसका जवाब ढूंढने के लिए ना चलिए चलते हैं पृथ्वी के इतिहास में, जहां ही मिलेंगे हमें इससे जुड़े सभी राज दफन। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मॉडर्न होमोसेपियंस यानी कि हम इंसान एक नए नवेले प्रजाति के रूप में पहली बार पृथ्वी पर अपने कदम रखे थे। आज माना यह जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, लेकिन इसके 2,95,000 ईयर्स बाद, जहां बाकी की दुनिया में इंसान इतने पिछड़े थे कि वो गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन उसी दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बन चुके थे। मैं बात कर रहा हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये उस समय पूरी दुनिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन भी था। आज आईवीसी के काफी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो इनके सिटीज एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड थे। इन्होंने एक अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम तक बना लिया था, ड्रॉइंग रूम्स यहां पर थे, क्रिमेशन ग्राउंड्स, द ग्रेट बाथ, यहां तक कि वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन शिपिंग पोर्ट्स लोथल, ढोलवीरा और सुटका गेंडोर तक इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया था। अब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसे पूरी दुनिया का द मोस्ट पॉपुलस सिविलाइजेशन माना जाता है। आईवीसी के दौरान इंडिया की पॉपुलेशन 100 से 140 मिलियन थी, जो कि पूरी दुनिया का 1/5 पॉपुलेशन हुआ करती थी। अब इसी दौरान जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रहा था, तभी ही इससे 4000 किलोमीटर दूर चाइना में भी एक सिविलाइजेशन फलफूर रही थी, द चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन योंग हो से यांगजे रिवर बेसिन पर लोकेटेड थी, जिसका कैपिटल अनयांग सिटी था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि इन्होंने भी काफी वेल प्लान्ड सिटीज डेवलप कर रखी थी, जहां इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज, वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और इवन मिलिट्री सेटलमेंट्स तक कंस्ट्रक्ट करके रख लिया था। इस सिविलाइजेशन के भी पीक पर यहां पर इनकी पॉपुलेशन करीब 60 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, यानी कि 6 करोड़। अब
माना कि इन दोनों सिविलाइजेशन की शुरुआत पहले हुई थी, यानी कि इन्हें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बाद भी तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कई सारे सिविलाइजेशंस बने, बट फिर अंत में इन्हीं दो कंट्रीज में ही आखिर क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रह गई? वेल, इसके ना हमारी रिसर्च के हिसाब से तीन मेजर कारण है। लेकिन फ्रेंड्स, वो रीजन समझने से पहले मैं आप सभी को एक बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं, उन्हें जो भी मुझे मिलने उडू कम्युनिटी डेज इवेंट अटेंड करने के लिए आया था। उम्मीद है आपको मेरा सेशन अटेंड करके मेरी लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंसेस से कुछ तो जरूर सीखने मिला होगा, ऑल्सो सम इनसाइट्स ऑन टीम बिल्डिंग और कल्चर का कितना बड़ा रोल होता है बिजनेस को ग्रो करने में। मैं आपके साथ एक मिनी व्लॉग शेयर करना चाहूंगा उस इवेंट का, क्योंकि मुझे पर्सनली काफी मजा आया आप सभी से इन पर्सन मिलकर, आपके क्वेश्चंस को आंसर करके और आपके जज्बों से इंस्पायर होके। सो सुबह के कुछ 10 बजे हम निकल पड़े गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर के लिए, और पहुंचते ही हर जगह उडू की ब्रांडिंग की हुई थी। इनफैक्ट उडू की ब्रांडिंग तो मुंबई, अहमदाबाद और इंडिया भर के कई सिटीज में दिख रही थी, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस और टेक इवेंट होने वाला था। तो इवेंट की शुरुआत ही हुई थी उडू के फाउंडर फेबियन पिनकेयर्स के इनसाइटफुल कीनोट के साथ, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाया कि चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या फ्रीलांसर, आप कैसे अपने बिजनेस को उडू के वर्सेटाइल एप्स यूज करके सिंप्लीफाई और ग्रो कर सकते हो। अब एक बिजनेस बिल्ड करने और उसे प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगता ही है, और उडू के पास एक पूरा सुइट है ऐसे एप्लीकेशंस का। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, आई एम जस्ट गिविंग मायसेल्फ द एक्सपोजर कि क्या मैं यहां पे फिट हो सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं। और फिर उडू के इवेंट में ये था मेरा सेशन, जो कि हजारों व्यूअर्स ने अटेंड किया। और हर कोई अपनी लाइफ में इतना फॉर्चुनेट नहीं होता कि उसको पहले से ही मालूम होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जो साइंस डोमेन में कोई बड़ा क्रिएटर नहीं है, अच्छे वीडियोस बना रहा है इंडिया में, सो आई न्यू देयर इज अ वैक्यूम। जय हिंद, वंदे मातरम। इवेंट का सबसे मेमोरेबल मोमेंट मुझे पर्सनली लगा लाइक माइंडेड सब्सक्राइबर्स के साथ मिलना। मैं एक ऐसे सब्सक्राइबर से भी मिला जिसने मुझे एक साइंस बुक ही गिफ्ट किया जो उसने खुद लिखी थी, एंड ही वाज लाइक, मुझे आपके वीडियो से भी इंस्पिरेशन मिला है साइंस फील्ड में कुछ करने का। ये सब बातें ट्रूली मुझे सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट लगती है, और मेरा यही काम जो मैं रोज करता हूँ वो मुझे और भी ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है। आप लोगों को तो पता ही है कि आज इंडिया में एक स्टार्टअप कल्चर वेव आ रहा है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, और इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को पुराने तरीकों से ही हैंडल करना। आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन हर दिन हम इतने सारे स्प्रेडशीट्स, इनवॉइसेस, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस, बेसिकली इतने सारे डेली टास्क लिस्ट को मैनुअली हैंडल करने में बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए नेसेसरी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ही नहीं सेट कर पाते हैं जो कि एक्चुअली में बिजनेस को ग्रो करता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वेल, उडू एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे आप एआई और टेक का यूज करके अपने बिजनेस को एंड टू एंड हैंडल कर सकते हो। इसमें कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे सीआरएम, इनवॉइसिंग, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, ई साइन, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और तो और वेबसाइट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएशन भी। बेसिकली ये सारे एप्स एक दूसरे के साथ ही उडू प्लेटफॉर्म पे इंटरकनेक्टेड है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको उडू के डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करके भी दिखाया। उडू से सिर्फ 2 मिनट में ही आप एक वेबसाइट या फिर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कैसे कर सकते हो, ये भी मैंने डिटेल में बताया। फिर उडू के इनवॉइस एप्लीकेशन से आप मल्टीपल इनवॉइसेस रेज करके अपने कस्टमर्स से टाइमली पेमेंट्स रिसीव करके सारे पेमेंट्स को एक ही जगह पर कैसे ट्रैक कर सकते हो। और पर्सनली मुझे उडू का सीआरएम और सेल्स एप्लीकेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव और कस्टमर सेंट्रिक लगता है, जिससे आप अपने लीड्स और अपॉर्चुनिटीज को इजिली ट्रैक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स मैनेज कर सकते हो, बिजनेस के एक्यूरेट फोरकास्ट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स सेल्स भी क्लोज कर सकते हो। अब इसके अलावा भी इनके रिक्रूटमेंट, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री एप्लीकेशन मुझे पर्सनली काफी यूजफुल लगे। सो अगर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपने करंट बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू चेक आउट उडू। और बेस्ट बात यह है, यू कैन ऑलवेज ट्राई द फर्स्ट ऐप फॉर फ्री हमेशा के लिए, वो भी बिना कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाले, फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। और उडू की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे भी कभी अपने प्लान में एप्स ऐड कर सकते हो। मैंने उडू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। नंबर 1, फिजियोग्राफी। अगर आप इस मैप में देखोगे तो इंडिया के नॉर्थ का द ग्रेट हिमालयन रेंज और चाइना के नॉर्थ का चांगबाई माउंटेन रेंज दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हिमालयन रेंजेस इंडिया को नॉर्थ से आने वाली कोल्ड साइबेरियन विंड से प्रोटेक्ट करते हैं,
और वहीं पर दूसरी तरफ इसी हिमालयन रेंज की वजह से इंडिया में साउथ से आने वाली ट्रेड विंड्स ब्लॉक होती है, जिससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश होती है। ठीक वैसे ही चाइना की चांगबाई माउंटेन रेंज ईस्ट एशियन मानसून विंड्स को ब्लॉक करके चाइना में बारिश करवाती है, और यही चांगबाई माउंटेन रेंज चाइना को कोल्ड सर्बियन विंड से भी बचाती है। सो बेसिकली अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इन रीजन्स को तीन मेजर एडवांटेजेस मिले। नंबर वन, इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया एक वाटर सफिशियंट जोन है। हमारे देश में ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा मेजर नदियां बहती है, चाइना में तो इंडिया से भी ज्यादा 1500 मेजर नदियां बहती है। नंबर टू, क्योंकि ये रीजन्स माउंटेन से सराउंडेड थे और उन पर बारिश भी रेगुलरली होती थी, तो इनके प्लेन्स यानी कि वैली रीजन में फर्टिल एलुवियल सॉइल की कोई कमी नहीं थी। आज भी इंडिया और चाइना में ये सारे रीजन्स की सॉइल काफी फर्टाइल है, यानी कि हाईली कल्टिवेटेबल है। नंबर थ्री, दोनों ही कंट्रीज के माउंटेन्स ने सर्बिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ब्लॉक किया, जिससे इन देशों के टेम्परेचर्स ह्यूमन लाइफ के लिए हैबिटेबल बने। यानी कि बेसिकली इन रीजन्स में एक्सट्रीम ठंडी या एक्सट्रीम गर्मी नहीं हुई, और ये रीजन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन और द ग्रेट चाइनीज सिविलाइजेशन की शुरुआत के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बने। लेकिन इसके अलावा भी जैसे जैसे लोग इंडिया में इंडस रिवर और चाइना में यांगसी रिवर के बैंक्स में सेटल होना स्टार्ट किए, उन्होंने एक नया इन्वेंशन कर लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये डिस्कवरी बेसिकली पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में जहां भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पे ह्यूमंस हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि नोमैड्स थे जो अपने सर्वाइवल के लिए कंप्लीटली मदर नेचर पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स से इंडिया और चाइना में ह्यूमन सेटल हो पाए और एक सिविलाइजेशन खड़ी कर पाए। अब अगर आप मैस्लोज नीड हायरार्की वाले मॉडल से फेमिलियर हो तो आपको पता होगा कि ह्यूमंस के सबसे बेसिक नीड्स होते हैं फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ये ह्यूमंस के सबसे प्राइमरी नीड्स हैं, जो इन दोनों भी रीजन्स में अच्छे से फुलफिल हो रहे थे, और इसीलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन ही सबसे पहला रीजन बना कि दोनों सिविलाइजेशंस में पॉपुलेशन ग्रो कर पाए। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि क्वाइट पैराडॉक्सिकली था राइस कल्टीवेशन। आज पूरी दुनिया का माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया कि सभी प्रोटीन्स के पीछे भागते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को अनहेल्दी मानकर उसे साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन क्वाइट पैराडॉक्सिकली वही कार्ब, वही राइस, जो आज भी इंडियन डाइट का एक मेजर इंग्रेडिएंट है, एक मेजर रीजन बना जिस वजह से हमारे पूर्वज अपनी तादाद को बढ़ा पाए। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। देखो, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया और चाइना के इस बेल्ट में एक तो प्लेन एरियाज हुआ करते थे, सॉइल फर्टाइल थी, प्लस नदियों की वजह से वहां पर पानी का भी भरमार था। मतलब ऑल इन ऑल एक परफेक्ट एनवायरनमेंट था राइस के कल्टीवेशन के लिए। नाउ राइस का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? ये एक मैसी लेवल पर पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज भी था। इसकी खेती एक बड़ी ही लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है, इसमें काफी सारे लोग लग जाते हैं और काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है। पर इसका यही डिसएडवांटेज इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन के लिए एक मेजर ट्रिगर पॉइंट बना, क्योंकि अब इस रीजन के लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, ताकि खेत में मदद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स आ सके। अब इससे बेसिकली राइस अपने आप में ही एक मेजर रीजन तो बना ही बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेकिन इसका एक और एक डोमिनो इफेक्ट भी क्रिएट हुआ इससे, क्योंकि अब इंडिया और चाइनीज रीजन के लोगों को खाने की कोई कमी नहीं थी, यानी कि इनका अब रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो वाला हिसाब नहीं था, इसीलिए दे कुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स एज वेल। सो इसी दौरान इन रीजन्स में शुरुआत हो गई कई आर्टिस्टिक इन्वेंशंस की, गोल्ड, ज्वेलरी, आइवरी सील्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, फिश हुक्स, प्रीशियस स्टोन्स से बने नेकलेसेस, वेपन्स। बेसिकली इन रीजन्स के लोगों ने ऐसे कई सारे इन्वेंशंस को बनाना और उससे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि चाइनीज सिविलाइजेशंस में वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के भी रिकॉर्ड मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी काफी सारे फैक्ट्रीज मिले थे जो कई सारे प्रोडक्ट्स का मास प्रोडक्शन करते थे। वहां पर तो 3 पोर्ट्स भी मिले थे जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया से ट्रेड करती थी। इनफैक्ट सिल्क रूट की शुरुआत भी तो इसी दौर में हुई थी, जो चाइना से इंडिया होकर और फिर वेस्ट की ओर यूरोप तक जाता था। अकेले इस रूट से ही ट्रेड करके इंडिया और चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड के जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करती थी। सो बेसिकली इससे हुआ ये कि हमारे पास सोना काफी जमा हो चुका था, क्योंकि हम काफी समय से स्पाइसेस, टी, आइवरी, कॉटन, वुल, प्रीशियस मेटल्स जैसी चीजें दुनिया भर में बेचकर
उनके बदले में गोल्ड ट्रेड किया करते थे, और इसीलिए आज हम कहते हैं ना, भारत एक टाइम पर सोने की चिड़िया हुआ करती थी। ये इसी दौर की बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। इस तरक्की से हुआ ये कि ये रीजन्स पूरी दुनिया के आंखों के सामने भी आ गए। अब दुनिया के सभी देशों के ऑलमोस्ट सभी सिविलाइजेशन इन रीजन्स में आकर ट्रेड करना चाहते थे, और इसी वजह से हुआ ये 518 BC से ऑलमोस्ट 2464 ईयर्स तक, यानी कि 1947 तक, ब्रिटिशर्स के जाने तक हम पर कंटिन्यूसली 200 से ज्यादा इन्वेजन्स और वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुए। अब चाइना में अगर आप देखोगे तो यहाँ थ्रू आउट हिस्ट्री सिर्फ 5 ही माइग्रेशंस हुए, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के बाद तो चाइना कंपैरेटिवली और भी ज्यादा सेफ हो गया। और इसीलिए अगर आप इनके पॉपुलेशन ग्राफ को देखोगे तो इनका पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा स्टेबल और ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है इंडिया के मुकाबले। इंडिया के केस में इन्हीं इन्वेजन्स ने एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस क्रिएट किया। इंडिया की कहानी तो आप जानती हो, क्या हालत थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट कर चले गए थे। अब हालांकि इंडिया में उन इन्वेजन्स की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन का भी लॉस हुआ था। जैसे बंगाल फैमिन का तो केस आप जानती हो, हमारे देश की 1/3 आबादी पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई थी। लेकिन अगर आप एक मैक्रो व्यू से देखोगे ना, तो उसी ही वक्त में ऐसे ही प्रॉब्लम्स पूरे दुनिया में हो रहे थे। इनफैक्ट 14 सेंचुरी से जहां से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, मैं तो जब हमारे यहाँ पर इन्वेजन्स हो रहे थे तब यूरोप में ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी फैल गई थी, जिसने यूरोप की 50 से 80 मिलियन की पॉपुलेशन को एक झटके में खत्म कर दिया। और यूरोप में जहां पर एक तरफ ये चल रहा था, वहीं पर मिडिल ईस्ट जहां पर वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम थी, वहां पर भी गेंगिस खान ने इन्वेड करके वहां पर 10 मिलियन लोगों को खत्म कर दिया। ईरान में जो पर्शियन सिविलाइजेशन थी उसकी तो पूरी 90% पॉपुलेशन ही इन्होंने साफ कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ 12-13 सेंचुरी की, बट इंडिया तक गेंगिस खान कभी पहुंच ही नहीं पाया था, जिस वजह से इंडिया में मंगोल इन्वेजन का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसके अलावा वेस्टर्न और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन मंगोल इन्वेजन से रिकवर हो ही रही थी कि इन पर फिर से अलेक्जेंडर ने इन्वेड कर लिया, जिससे पूरे यूरोप में वॉर छिड़ गए और करीब 3-4 लाख लोग मारे गए। अगेन अलेक्जेंडर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेडर, ये इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचकर वापस लौट गया। सो इसके वजह से भी इंडिया को कोई भारी नुकसान नहीं भुगतना पड़ा। इवन वर्ल्ड वॉर्स के भी केस में, जो कि सबसे मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार थे। अब हाँ, कई इंडियंस की जान वर्ल्ड वॉर्स में भी जरूर गई थी, लेकिन क्योंकि यूरोप तो लिटरली इस वॉर का गढ़ था, मेजर डैमेज वेस्टर्न कंट्रीज को ही हुआ। इंडिया के जहां पर सिर्फ सोल्जर्स मारे गए थे, यूरोप में तो सिविलियंस भी भारी मात्रा में मारे गए थे। आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हो, ये रेड एरियाज बताते हैं कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड वॉर से कितना ज्यादा इफेक्टेड थी। डेटा के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का कंबाइंड डेथ रेट 95 मिलियन था, 40 मिलियन वर्ल्ड वॉर 1 और 75 मिलियन वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि 950 लाख लोग सिर्फ इन वॉर्स में ही मर गए थे, जिनमें से 17 मिलियन लोगों को तो अकेले नाजीस ने ही खत्म किया था। सो माय पॉइंट इज, जैसे इंडिया में इन्वेजन की वजह से नुकसान हो रहा था, वैसे ही या फिर उससे ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया में भी हो रहा था। लेकिन क्योंकि इंडिया और चाइना में गोल्ड काफी ज्यादा था, इसीलिए यहाँ एक तो माइग्रेशंस काफी ज्यादा भी हो रहे थे, और दूसरी बात, इंडिया को कई इन्वेडर्स ने अपना घर भी बना लिया था, और तीसरी बात, इन इन्वेडर्स की वजह से इंडिया को बहुत ही भारी नुकसान इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं भुगतना पड़ा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी सारे इन्वेडर्स बड़ी संख्या में इंडिया में सोना लेने के लिए आए, लेकिन फिर वो यहीं पर सेटल भी हो गए, जिससे इंडिया की पॉपुलेशन एक तरह से मेंटेन्ड ही रही, इनफैक्ट बाकी देशों के कंपैरिजन में बढ़ती चली गई। अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो 1750s के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे भी हमारी पॉपुलेशन 170 मिलियन थी, जबकि उस समय में पूरे यूरोप की कलेक्टिव पॉपुलेशन भी सिर्फ 60-64 मिलियन के बीच में थी। चाइना के साथ भी ऐसे कुछ सेम हुआ था। जापानीज और ब्रिटिश इन्वेजन के दौरान चाइना में भी मैसिव माइग्रेशन हुआ, मोस्टली जापानीज लोग का, जो चाइना में आए और सेटल होने लग गए, जिस वजह से चाइना की पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई। अब नेक्स्ट, अगर हम फिर से वेस्टर्न कंट्रीज पे आए तो वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये कंट्रीज रिकवर हो जाती, बट तब तक US और UK जैसी कंट्रीज में बर्थ कंट्रोल पिल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जिनके पॉपुलर होते ही वहां का बर्थ रेट ड्रास्टिकली गिरने लग गया। लेकिन इंडिया में तो 19 सेंचुरी की बात छोड़ो, आज 2024 तक ये हाल है। चॉकलेट फ्लेवर
और तभी भी इंडिया और चाइना में तो अलग ही लेवल का ट्रेंड चल रहा था। चाइनीज डिक्टेटर माओ ज़ेडोंग ने चाइना में बच्चे पैदा करने को एक नेशनल ड्यूटी बता दी थी। वो चाहते थे कि चाइनीज माए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे और इसके लिए वो ऐसा करने वाली माओ को हीरोइक मदर अवार्ड और मॉनेटरी इंसेंटिव तक दिया करते थे। प्लस इंडिया में तो स्पेसिफिकली आप ये बात जानते ही हो कैसा माइंडसेट है, हर एक कपल चाहता है कि उन्हें एक लड़का पैदा हो। सो इसीलिए एक लड़के के चक्कर में भी इंडियंस ने बच्चे ज्यादा पैदा किए इन द पास्ट। आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में काफी लोगों के 5 से 6 बच्चे हुआ करते थे। वो समय ये कॉमन था, ये इसीलिए किया जाता था सिर्फ ताकि उन्हें एक लड़का बच्चा मिले। इसके अलावा भी और भी काफी सारे रीजंस हैं, जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से भी इंडियन पॉपुलेशन काफी ग्रो हुई। क्योंकि कोई भी देश जिसमें एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसमें अक्सर आप देखोगे कपल ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स हो सके। सो इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा थी और ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से लोगों ने और ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था और इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा करना मतलब ज्यादा खर्चा, और इसीलिए वहां की पॉपुलेशन उस रफ्तार से ग्रो नहीं की, उल्टा स्लो होने लग गई। एंड देन कट डाउन टू टुडे, आज के तारीख में तो हमने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया और आज हम बन चुके हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब आई नो हमें हमेशा बताया गया है कि हमारी पॉपुलेशन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिस वजह से इंडिया तरक्की नहीं कर पा रहा है। करप्शन है, गरीबी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेरोजगारी है, ये सब कुछ इसीलिए, जस्ट बिकॉज हमारी 140 करोड़ की आबादी है। अब आई अग्री, ये काफी हद तक सही भी है। हमारी पॉपुलेशन आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, लेकिन मेरे हिसाब से हम अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये सिर्फ नजरिए का खेल है। अगर हमारी आबादी 140 करोड़ है तो हमारे पास 140 करोड़ दिमाग भी तो है, जिसमें से भी 66% तो युवा है, यानी कि यंग माइंड्स। आज कितने देश, साउथ कोरिया, जापान, ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज, इटली स्पेशली, इनका यही तो रोना है, इनके पास देश को आगे बढ़ाने के लिए यूथ पॉपुलेशन ही नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पर, एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी वो यूनिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमें बाकी देशों से अलग बनाती है, और हमें उन्हीं पर अपने स्ट्रेंथ्स पे डबल डाउन करना होगा। आप अपने आसपास देख लो, कितने ही देशों ने अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर लिया। पूरा मिडिल ईस्ट देख लो, वहां का हार्श एनवायरनमेंट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने तेल के बल पर, जिस तेल को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है, उसके बल पर देश को आगे बढ़ाया। दुबई के पास तो तेल भी नहीं था, 1958 में जाके कहीं पे डिस्कवर हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि वो टूरिज्म को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं, उन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। नेदरलैंड्स देश का एग्जांपल ले लो, जो कि इतना छोटा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1.77 करोड़ है, यानी उसकी पॉपुलेशन हमारे मुंबई सिटी से भी छोटी है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी। और नेदरलैंड्स दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीनरीज मैन्युफैक्चर करती है, और इसीलिए नेदरलैंड्स की इसमें मोनोपोली है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया सिर्फ इस एक देश पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिसे वो इजीली लेवरेज कर सकते हैं अपने जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में। ये नेदरलैंड्स की एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उनके पास काफी लिमिटेड रिसोर्सेस थे अपने देश को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया, अपने वीकनेसेस को साइडलाइन किया, उन्हें इग्नोर किया, और स्ट्रेंथ्स पे डबल डाउन करके आज ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। मैंने इस पे बाय द वे ऑलरेडी एक काफी डिटेल वीडियो बना के रखा है, कोडिंग देयर स्ट्रैटेजी, जिसे आप यहाँ पर आई बटन दबाकर देख सकते हो। हमें ये बात इन देशों से सीखनी चाहिए। हमारे पास 808 मिलियन यूथ पॉपुलेशन है, जो एक्चुअली में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये यूथ पॉपुलेशन दुनिया के किसी भी देश से बहुत ज्यादा है, सो इट्स हाई टाइम हम इसे रियलाइज करें और इसे अपने एडवांटेज में यूज करें। आफ्टर ऑल, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक देखने का नजरिया है कि हम हमारे देश के इस पॉपुलेशन को हमारी स्ट्रेंथ समझे या हमारी वीकनेस। और भारत, जैसे आपने देखा, एक समय में सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, इतना रिच इसका हिस्ट्री है। सिर्फ इस हिस्ट्री के वजह से ही कि यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट बाकी देशों से बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था,
आज हमारी पॉपुलेशन इतनी है। सो अभी इसी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा पर्पस यही होना चाहिए कि हम सब मिलकर भारत के उस सुनहरे पल को वापस से लेकर आए। और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब भारत का हर एक युवा पर्सनल लेवल पर खुद को एम्पावर करे और नेशनल लेवल पर नेशन को एम्पावर करे, जो ही हमारा बाय द वे पर्सनल मिशन भी है हमारे गौरव ठाकुर और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल के थ्रू। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। एशिया कॉन्टिनेंट में आपको दुनिया की कुल आबादी का यानी टोटल पॉपुलेशन का 59% जो है वो देखने को मिलता है। और मैं कहूँगा कि भाई पॉपुलेशन जो है नो डाउट एक तरफ बहुत बेनिफिट है एशिया को, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक ह्यूज मार्केट है। लेकिन ऑन दी अदर साइड में देखूँ तो भाई बहुत सारे आपको जो है ना इसके डिसएडवांटेजेस भी जो है वो नज़र आते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रशांत धवन सर की वीडियो देखी थी जो कि सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, और अभी हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि 40% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया और चाइना में या एशिया में ही क्यों हमें देखने को मिलती है, या एशिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है। सो जो एक बैकग्राउंड दिया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक लॉजिकल लगा कि अगर देखा जाए तो ह्यूमन जितने भी मतलब उस टाइम पर जिस तरह से एक माइग्रेशन सिविलाइजेशन और आप कह लो कि जो हम लोगों को एक एवोल्यूशन देखने को मिला इंसान के बीच में, उसमें जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो स्पेसिफिकली आपको इस रीजन में जो है देखने को मिली। मतलब अगर देखो जैसे उन्होंने प्लांटेशन की बात की तो सबसे ज़्यादा तो मुझे वो बहुत लॉजिकल चीज़ लगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले ज़माने में यही सुना जाता था कि इंसान अपने खाने पीने का जो एक इंतज़ाम है वो हंट करके ही किया करता था। लेकिन अब उसके बाद आप सब्जियों दालों फलों और इन चीज़ों पर भी सर्वाइव करना जो है फिर बाद में इंसान को आ गया। सो फिर जिस तरीके से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई और बाद में आते आते हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हुई, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको एक डाइवर्सिटी भी जो है वो देखने को मिली और बहुत सारे लोग यहाँ पर रह भी गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पॉपुलेशन जो है आपको देखने को मिली। उसके साथ साथ ना मुझे एक और चीज़ फील होती है कि फेवरेबल माहौल रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ना इंसान की अगर बॉडी की अगर बात की जाए तो वो हमेशा से एक ऐसा माहौल जो है वो ढूंढता जहाँ पे वो एक सुकून की जिंदगी जो है वो गुजार सके। जैसे हम एक चीज देखते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो है कहा जाता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राजवाड़े जो है, कोई छोटा राजवाड़ा कोई बड़ा राजवाड़ा आपके साथ नजर आते थे, लेकिन क्या थी कि वो टोटल जो है जीडीपी में अच्छा खासा यानी कि खाली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो 25% ऑलमोस्ट दुनिया की जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करता था। तो अगर देखा जाए इस लिहाज से भी तो भाई एक ऐसा कंट्री जहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बेशक आप उस सब कॉन्टिनेंट से कोई 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं, और अगर आप एक व्यापारी हैं और आपको ये चीज़ पता चले कि दुनिया के फलाने कोने में जो है टैक्स फ्री है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे आपको कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपको सुविधाएं जो है वो अच्छी मिल रही हैं, बिल्कुल है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जैसे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपको दुबई जो है वो देखने को जो है मिलता है कि आपको जो है एक वहाँ पर टैक्स फ्री कंट्री जो है, इनकम टैक्स नहीं आपको देने पड़ते, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने बिजनेस वहाँ पर डाइवर्ट करते हैं। तो हो सकता है उस टाइम जो है इस तरह के भी आपको जो है यहाँ पर एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो देखने को मिलता हो, क्योंकि पोर्ट्स आपको नजर आती हैं, आपको रूट्स नजर आते हैं, आपको जो है नहरों का एक ट्रेडिंग भी नजर आती है, ट्रेडिंग जो है वो नजर आती है आपको, डिफरेंट डिफरेंट शहर जो दरियाओं के किनारे पे जो है बसे हुए वो आप आज के टाइम में जब उनको इवैक्यूएट करके निकाला जाता है या जो ऑलरेडी हैं तो आपको जो है ना एक पता चलता है कि भाई आपको एक प्लैंड सिटी, आपको जो है एक जो इनके उस सिटीज में भी आपको दो चीज़ें नजर आती थी, एक अपर सिटी एक लोअर सिटी, कि भाई आपको हर चीज़ जो है वो एक प्लैंड तरीके से मिल रही है। अच्छा वैसे इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो जितना आप इसके बारे में जानते हो ना आपकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ती रहती है कि लाइक उस टाइम पर लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे, और फिर अगर देखा जाए तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रेडिंग भी स्टार्ट की, लाइक जैसे उन्होंने ज्वेलरी की बात की, आर्ट्स की बात की, और अगर हम लोग तक्षशिला में जाएँ यानी कि जो
टेक्सिला आज के टाइम पर पाकिस्तान में, अगर हम उसके म्यूजियम को भी देखें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें, इससे मिलती जुलती भी चीज़ें जो कि इसमें आर्टिफैक्ट्स भी दिखाए गए थे, वो सब आपको म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। और उस टाइम पर लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे अपने घरों के लिए, या ज्वेलरी को भी अगर लिया जाए तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। मुझे सबसे हैरानी वाली चीज़ जो है ना, जब मैं पुरानी चीज़ें देखता ना, तो सबसे पहले जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है वो खड़े करते थे, ठीक है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी तब अपील करते हैं, मिसमराइज करते हैं। उसके साथ साथ जो है ना, उनका एक चीज़ें बनाने में जो एक सफाई सुथराई होती थी, खासतौर पर आपको जो बहुत बड़े बड़े स्टैचूज हैं, जैसे आप महाबलीपुरम देखते हैं, ठीक है ना, या कोणार्क सन टेम्पल देखते हैं, या आप एलोरा जनता केव्स देखते हैं, तो आपको जो है ना वो चीज़ देखकर हैरानी होती है कि यार बगैर टेक्नोलॉजी के जो है वो इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग मार्वल जो है उन्होंने खड़े किए हैं। तो नो डाउट भाई, उनके पास कोई टेक्निक्स कह लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी आपको जो है उस टाइम पर देखने को मिलती है, कोई टेक्निक्स उनकी होंगी, कोई स्किल्स उनकी होंगी जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम पर यूटिलाइज़ की हैं। वैसे मुझे तो पता नहीं, ऐसा फील होता है कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं उन लोगों के पास टेक्निक्स किस तरह की होती होंगी, इतना पुराना टाइम था, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया का एक एंड होता है, उसके बाद फिर से एक नई दुनिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। और जो पुराने वाले लोग होते हैं उनकी जो भी डिस्कवरीज होती हैं वो बाकी के आने वाले जो लोग होते हैं वो उसको डिस्कवर कर रहे होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक उस टाइम पर भी जो लोग स्टडी करते थे या उनका जो एक तरीका होता था वो बहुत एडवांस रहा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये चीज़ें आज के टाइम में देखने को मिलती है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अप्रोच वाकई में बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी कंट्री के, स्पेशली युवा की, और साथ में उस कंट्री के लीडर्स की, कि उनकी अप्रोच क्या है, वो किस तरीके से अपनी कंट्री को किस साइड पर रन करना चाहते हैं, क्योंकि एक लीडर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और अगर वो सही डायरेक्शन में अपनी जितने भी पब्लिक है उसको लीड करे तो मुझे लगता है कि आपका कंट्री डेफिनेटली बहुत अच्छी कंडीशन में या अच्छी साइड पर जाना शुरू हो जाता है, और उसके आपको जो आप कह लो कि परिणाम है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक कुछ जनरेशन्स को तो डेफिनेटली सफ़र करना पड़ता है, बट उसके बाद जो जनरेशन्स आती हैं ये कंट्री की जो एक स्ट्रेंथ है वो आपको देखने को देखें भाई कौमें जो है ना, नेशंस वही जो है वो तरक्की करती हैं जो अपने लोगों को गुलाम बनने की बजाय जो है ना एक लीडर बनना सिखाते हैं। बट उसके साथ एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि इंडिया को अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग से ही, मतलब हिंदुस्तान जब एक टाइटल था, भारत जब टाइटल था, आप देखो इस धरती पर आपको एक बहुत डाइवर्सिटी नजर आई है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है, जो कि अभी तक हम देखते हैं कि डिफरेंट जो रिलीजन के लोग हैं या फिर आप कह लो कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो अलाइव हैं। तो मतलब ये चीजें भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती हैं। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में।